आप देखिए जब हम लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं तो आपके जो घटक दल हैं और आप में सीटों की गुत्थम गुत्थी अभी से शुरू हो गई है। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि आपके आगे पंचायती कराने नहीं आऊंगा, हम रास्ता निकाल लेंगे। आपके पार्टी के जो नेता हैं वो भी आपके लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लीजिए, कीर्ति आजाद की बात कर लीजिए, भोला सिंह की बात कर लीजिए, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कैसे टैकल करेंगे? आप चिंता ना करें, राज्य की जनता देख रही, वो समझ रहे हैं, वो नए थोड़ी चिंता तो हमारी बनती है, आप हर चीज में हमें चिंता नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। नए रास्ते अपने खोज रहे हैं, कहीं जा रहे हैं टोपी पहन के लोग दावत खाने, तो देश देख रहा है, राज्य देख रहा है और हम भी देख रहे हैं, क्या करना है समय पर हम बता देंगे। गिरिराज जी, जो लोग बिहार की राजनीति को नजदीक से फॉलो करते हैं उनका मानना है कि बिहार बीजेपी दो गुट में बंधी हुई है, एक सुशील मोदी, एक उसका विरोधी गुट, और गिरिराज सिंह जो है वो सुशील मोदी गुट के नहीं जाने जाते हैं। आप लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे कभी कभी बिहार बीजेपी को भी जो है असहज महसूस होने लगता है। मैं नहीं समझता हूं कि आज तक कभी बीजेपी ने मुझे कहा हो कि गिरिराज जी आपके बयान से पार्टी असहज हो गया। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा।